असलम क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है और बात हो रही है कि हम लिखते क्यों हैं इसका जाहिर है एक प्रोफेशनल uh, पर्पस भी हो सकता है लेकिन हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या लुत्फ़ है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है विच मेक्स अस राइट अमिना आपका क्या ख्याल है कोई शख्स क्यों लिखे आखिर uh, खाली सोचने वाली बात है कि अगर uh, ज़रदस्ती तो लिखना ना पड़े मतलब वो अगर ज़रूरत ना हो तो बंदा क्यों लिखे oh. तो एक एक तो ये है कि ऑबियसली मोर एंड मोर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड इन दिस इन दिस फील्ड मगर uh, जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें कभी कभार जिंदा रहने के लिए भी लिखना पड़ता है hmm. मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस होता है एक मोमेंट होता है hmm. उसको आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करना ये आई थिंक इंसान के अंदर होता है एक आर्ट भी होता है साइंस भी होता है तो जब ये हमारा एक सेल्फ़ एक्सप्रेशन भी जो है ना एक इट्स ए नीड ह्यूमन नीड भी है तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिर यही जो हमारा एक एक्सप्रेशन है वो लफ्ज़ों के ज़रिए हम लोगों को बताएं तो hmm. मेरे ख्याल में ज़िंदा रहने के लिए इस दुनिया को कम्प्लीटली फ़ील करने के लिए भी आ, लिखना ज़रूरी होता है बिल्कुल आज जैसे आमना ने कहा कि ये एक ये ह्यूमन नीड है तो जैसे हम एक एग्जांपल ने इसकी कि जैसे हम कोई अपनी डायरी लिखते हैं रोज़ आना या कोई जिस दिन कोई ख़ास बात हुई है जिसने हमें चौंकाया या एक्साइट किया या सैड किया या कोई भी स्ट्रॉग इमोशन हमने फ़ील किया तो हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑडियंस के लिए ही लिख रहे हो हमेशा अपने कथारसेस के लिए लिख रहे हैं या कोई फीलिंग्स वेंट कर, करने के लिए लिख रहे हैं और वो हमारे अपनी ऐति तस्किन के लिए भी होती है तो जैसे हमने अगर एक खूबसूरत हाँ। सी तितली जो है वो किसी फूल पर देखी तो वो एक आ, वैसे देखा जाए तो बस आपने देख ली ठीक है हाँ। आगे बढ़ जाओ मगर हमारा हमारी हमारा जी चाहता है कि जो हमने देखा है वो हम औरों को भी बताएं या अपने लिए जैसे आपने कहा अपने लिए वो जज कर ले मतलब मेमरी में, में रख लें हाँ। बस ठीक है फिर ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे तो वो फिर मोमेंट याद आ जाएगा उसके जो हमने लिखा है उसके बाद में वो रिकॉल आ जाती है कि हाँ जब आप कभी डायरी जैसे आप कह रही थी कि अगर हम पढ़ लें एक मेरे ख़्याल में रीज़न जो है वो डिस्कवरी का भी है हुँ. कि इस दुनिया को हमारी कोशिश होती है कि हम डिस्कवर करें ये भी आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि हमें ये जानना है कि पानी पानी क्यों है हवा हुँ. कैसे चलती है बारिश कैसे बनती हुँ. है या आ, जो दुनिया की खूबसूरती है उसको डिस्कवर करना तो आई थिंक डिस्कवरी के लिए भी जब हम हुँ. जो चीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं वो हम लिख रहे होते हैं ताकि hmm. हम शेयर कर सकें hmm. या अपने लिए ताकि hmm. हम बाद में कभी पढ़ सकें hmm. तो दैट इज़ अनदर मोड हाँ जैसे डिस्कवर भी कर रहे होते हैं हम और लिख रहे होते हैं और उसके अलावा एज यू जैसे तितली की बात किया मैंने तो अगर वो लिखने बैठे तितली के बारे में यू माइट फॉलो दैट तितली और आप उसको फॉलो करते करते देखें और इमेजिन कर लें कि तितली की लाइफ में फिर आगे क्या हुआ क्या कोई बच्चा उसके पीछे भाग रहा था या कोई बड़ा उसको देख रहा था या वो किसी ने शौक़ से कोई फूल उगाया था और उसमें वो बैठी थी सो वाइल्ड योर राइटिंग यू क्रिएट अ स्टोरी और आपको खुद वो स्टोरी आपको आप स्टोरी को ढूंढ रहे होते हैं और स्टोरी आपको ढूंढती जा रही होती है सो इट्स अ इंटर नाइस इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन मे बी जो आपके दिमाग में कोई जो तखैयल है और जो सामने आपकी फैक्ट्स हैं और आप उसको मिक्स करके फिर कोई स्टोरी बना सकते हैं सो यू गेट सम क्लैरिटी एंड यू गेट टू लिव द स्टोरी ऑल्सो दैट यू आर राइटिंग I think हाँ आई थिंक वो बात है कि वो आप आ, आ, जैसे सेइंग ना कि कभी आप कहानी के पीछे जा रहे होते हैं कभी हाँ. कहानी आपके पीछे आ रही हाँ. होती है राइटिंग बेसिकली लीड्स टू अ पाथ ऑफ डिस्कवरी मतलब एक आप एक ऐसे एक प्रोसेस में चले जाते हैं जहाँ जहाँ पे आप डिस्कवर कर रहे होते हैं नई नई चीज़ें बिकॉज आपको देखने का लेंस बदल जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते हैं अपना एक नाम बनाने के लिए या अपने एक दुनिया में छाप छोड़ने के लिए कि आप आप मतलब हमारे पास इतने नाम हैं जैसे मंटो हैं, इकबाल हैं आजकल के कंटम्प्रेरी राइटर्स भी बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं कि उनका काम जो है वो पस्टेरिटी के लिए हमारे पास है वी वी हैव इट फॉर पस्टेरिटी यानी कि वो वो अपना एक नाम छोड़ जाते हैं अपनी ये जो लिखाई है इससे इस दुनिया में एक स्टैंप लगा, स्टेंप लगा, जाने लगा जाते? Mark, अपना छोड़ के और यूनिक है हर राइटर का अपना एक यूनिक डीएनए है और वो ये नहीं है कि आप सोचें कि अच्छा इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो मैंने लिख के क्या करना है क्योंकि हर शख्स जो है वो कुछ नया लेके आ रहा होता है और वो इिप्लेसबल है और अपनी जगह एक एक जैसी एक ही मिसाल है आई थिंक एक और रीज़न जो लिखने का होता है जो हमने शुरू में बात की कि ऑबियसली हाँ। एक चीज़ तो है ना कि हम खुद से लिख रहे हैं हाँ। एक आती है कि डिमांड की वजह से आई थिंक डिमांड भी है एक हाँ कि जरूरत, है, जरूरत है लिखना है और आई थिंक हाँ हाँ वो वहाँ पे हमारी वो बिजनेस राइटिंग वाली चीज़ आना शुरू हो हाँ जाती है कि भाई अब किसी को हाँ बताना है कि हम आ, आपको क्या सर्विसेज़ दे सकते हैं या हमने किसी को बताना है कि हम हाँ कितने बजे पहुंचेंगे कितने हाँ बजे जाएंगे तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है ये लिखने से आती है तो ये एक डिमांड ड्रिवन भी हाँ आ, राइटिंग जो है वो हो जाती है क्योंकि आप हर वक्त तो बात नहीं कर सकते हम लोगों को बातें कर रहे हैं वो बेचारे सुन रहे हैं उनको तो सुनना पड़ेगी मगर लिखना भी जो हाँ। है वो ज़रूरी है सो वट वट डू यू थिंक कि हर चीज़ अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो सकती हाँ। है या वो उसमें और लिखने में क्या फ़र्क है देखिए मैं पर्सनली मैं तो लिखे हुए की फैन हूँ फॉर सेवरल रीज़न्स एक तो ये कि उसमें आप अपनी मर्जी से उसको सफ़े पलट के आगे देख सकते हैं पीछे देख सकते हैं उसमें निशान लगा सकते हैं और उसकी अपनी एक ब्यूटी और स्ट्रक्चर और बैलेंस है बोले हुए में हम जैसे हम भी अभी बात कर रही हैं कभी आप बोल रही हैं कभी मैं बोल रही हूँ कभी थॉट थोड़ी सी कोई हो सकता है वेवर कर जाती हो लेकिन जो लिखा हुआ होता है क्योंकि होपफुली उसको किसी ने रिवाइज़ किया होता है एडिट किया होता है उसको अच्छी तरह पॉलिश करके और फिर लोगों के सामने लाया होता है तो उसके अपना एक बैलेंस है और उसके अपने कुछ रूल्स हैं तो उसके मुताबिक होता है तो वो उसमें एक फाइननेस अलग तरह की होती है मेरे ख्याल में कि बोलने से पहले भी लिखते हैं लोग हमने भी लिखा था मतलब हमें भी पता हाँ। है कि हमने एग्जैक्टली exactly कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है क्या लिख हाँ। बात करनी है कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर थॉट्स होती है ना वो कैप्चर करना हमें बड़ा ज़रूरी होता है इसलिए भी लिखना होता है कि हम जो आ, सोच रहे होते हैं ना उस, उस आ, उसको हम आ, जो है उसको लिखना इसलिए पहले ज़रूरी होता है वरना वो निकल जाता है दिमाग में सब कुछ रहता नहीं है तो हमें लिख सोच जो आ रही होती है जैसे फ्लो आ रहा होता है बस आप उसको लिख लेते हैं तो उस तरह भी राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम बात करते हैं कि जी जॉब्स के लिए कितनी एक ज़रूरी है राइटिंग तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा से एक इंटेग्रल हिस्सा रहा है लिखना जो है जॉब्स के लिए बट आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा होता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ पर हम राइटिंग को इस्तेमाल ना कर रहे हों तो आई थिंक फॉर जॉब्स इट्स बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो हाउ टू राइट और चूँकि अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है यानी कि आप uh, ना सिर्फ uh, पाकिस्तान के लोगों से बात करें आप ग्लोबली भी बात करें तो आपको वो कम्युनिकेशन जो है लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता जा रहा है चाहे वो ई लिख रहे हैं चाहे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो भी है वर्क इन्वायरमेंट में आई थिंक राइटिंग इज़ 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 अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ पहले कोई अगर कहता था कि मैंने राइटर बनना है तो घर में जूते पड़ते थे कि क्या कर रहे हो मगर मतलब अब जो राइटर है वो अच्छा खासे पैसे बना लेते हैं तो वो बल्कि मेरे ख्याल में शायद <laughs> किसी बैंकर शैंकर से ज्यादा ही बना लेते है तो राइटिंग इज प्रोफेशन नाउ इज तो आई थिंक इट्स होपफुली वी कैन इंटरेस्ट अ राइटर तो लिखने के फायदे ही फायदे हैं पर्सनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी हर तरह से फ़ायदे हैं